Indeed! मुझे छोटी वाली पसंद है। सबका वॉल्यूम ऊंचा कर दे, बिल्ट इन एम्पलीफायर वाला गोदरेज डीवीडी प्लेयर। हे भगवान यार, ये इंडियन आइडसकसन से कुछ दूसरी दुनिया का ये अजूब है, और आज की वीडियो ना बहुत खतरनाक होने वाली है। तो आज हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी इंडियन एडवर्टाइजमेंट्स जिनको देखने के बाद तुम ये सोचोगे कि इस एडवर्टाइजमेंट को बनाने वाला मतलब क्या फूक के बैठा होगा वो बंदा जो उसने ऐसी चीज सोच ली। किस लेवल के दौरे पड़ रहे होंगे उसको कि उसके दिमाग में आया ये सब। हेलो चले, सिल्वर मेरा दिलबर। हेलो एड कैसी लगी? आज मैं समझ गया कि मैं सिंगल क्यों हूं, क्योंकि मैं पान मसाला नहीं चबाता यार। बेसिकली ये बंदा कहना चाहता है कि अगर तुम पान मसाला चबाते हो तो एक अविश्वसनीय लड़की तुम्हारे से चिपक जाएगी, हेलो चले करके तुम्हारे पास आएगी, और जैसे ही पान मसाला खत्म लड़की गायब। बेसिकली मैं सिंगल हूं, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मुझे पान मसाला चाहिए। साला सारे पान मसाला खाने वाले लोग इस वक्त तो यही सोच रहे होंगे कि हम साले नल्ले क्यों बैठे, हमारी बंदी कहाँ है। तो हम देखते हैं कि 5-6 हट्टे कट्टे बड़े घर के बहुत हैंडसम लौंडे इस लड़की को ताड़ रहे हैं, और लड़की फोन पर बात करते करते कहती है रुकिए मुझे कोई देख रहा है, और वहां से भागना शुरू कर देती है। मतलब वो एक क्राउडेड प्लेस में खड़ी है जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो शायद उसकी मदद कर सकते हैं, शायद पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन नहीं, लड़की अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन लेगी। लड़की वहां से भाग के एक सुनसान गली में जाएगी, और वहां से चढ़ के एक सीढ़ियों पे चढ़ के किसी फ्लोर में चली जाएगी जहां पर ये लौंडे। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा आगे, घोर अनर्थ। अरे तेरे को कुछ भी करने नहीं आए, वो तेरे हाथ में जो मोबाइल है वो कहाँ से लाए बोल के पूछने के वास्ते आए। ये फोन तो कुबा मोबाइल से ली। कुबा मोबाइल। कसम से तुम मुझे बता रहे हो कि ये लौंडे इस लड़की को पूरी दुनिया में इसका पीछा करके इससे ये पूछने है कि भगवान। तो इस बेहतरीन कार्यक्रम के समापन के बाद हमारे दिमागों पर इतना प्रेशर पड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं हमारे अगली महान एडवर्टाइजमेंट की तरफ। आचार खत्म। ओ माय गॉड, चीफ को बताते हैं। माय गॉड, स्पेस में एस्ट्रोनॉट का अचार खत्म हो गया। बेचारा एस्ट्रोनॉट भजिया कैसे खाएगा अब। इतनी जेन्युइन इशू पे इतनी जेन्युइन ऐड बनाई है। नहीं सच्ची में बहुत सीरियस इशू है यार, इंडिया में तो एटलीस्ट है, मतलब यहाँ पर तो छोटे से छोटा इशू भी बहुत सीरियस बहुत जेन्युइन है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत अच्छी ऐड बनाई है, बहुत अच्छा, मतलब अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन तुम्हें ये किस चीज की ऐड लग रही है? अचार की ना? नहीं यार, अभी देखो तुम ये किस चीज की ऐड है। दे रही है दस्तक आपके तहलीज पर। मेरा बबलू रामू काका। ये देखने के बाद अब मेरी जिंदगी में बस एक काम करना बाकी है,
आत्महत्या। पहले तो इस एड को लिखने वाले ने ना 500 किलो गांजा, 600 किलो चरस और 1000 टन कोकेन का भयंकर कुछ इंटेक लिया, तब जाके वो इस एड को सोच पाया। मुझे एक बात का जवाब दो, हजारों करोड़ों रुपए लगा के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है, स्पेसशिप में, नासा इसरो वाले क्यों इतने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, जब 6 पंखे, 1000 रुपए का एक पंखा भी लगाया 6000 रुपए में किसी को भी स्पेस में भेजा जा सकता है। ये बुड्ढा स्पेस में उड़ते हुए चला गया उसको अचार देने के लिए। मुझे मार दो कोई यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। इस एड को देखने के बाद सच्ची में मेरे जीने की सारी तमन्ना खत्म हो चुकी है। बचपन से मेरा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना था, पर फिर मैंने सोचा इतनी पढ़ाई कौन करेगा यार, क्यों करूंगा। अरे आज पता चल रहा है करने की जरूरत ही नहीं थी पढ़ाई, 6 पंखे लगा के मैं भी उड़ लेता। खैर आगे बढ़ते हुए, अभी खत्म नहीं हुई भाई आज की वीडियो। 10 मिनट से ऊपर जाएगी, पक्का जाएगी, वरना तुम में से लोग बोलते रहोगे यार अब थोड़ी लंबी वीडियो बनाए, आज लंबी वीडियो देखो तुम, लंबी वीडियो। हेलो रूबी जनरल स्टोर। यस मैडम। ओके, सेंड मी 7 किलो राइस, 3 किलो शुगर, 1 पैकेट बिस्किट, 2 शैम्पू बॉटल्स, 1 पैकेट सॉल्ट एंड केचप। विच केचप? सेम। विच केचप मैडम? सेम डा। अयो विच केचप मैडम? हेलो मैडम, गले में खिच खिच, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। तुम्हें यही लग रहा होगा विक्स की एड है, और किस चीज की एड लगेगी। हेलो मैडम, व्हाट इज हैपनिंग? हाइंस हाइंस, ऐसे हाइंस कौन बोलता है? मुझे बोलना ही नहीं इस एड के बारे में, कुछ वर्ड्स ही नहीं है टू एक्सप्लेन दिस एड। आसान भाषा में ये तो टट्टी है। बुलाओ करती रहती हूँ, कभी अपने जानू की बात माना करो। नरेश नरेश सुरेश। बहुत दिनों बाद, कैसा है यार? बस फर्स्ट क्लास। ए ये क्या कर लिया, तोंद बढ़ा लिया। अच्छा बहुत दिनों से तो घर नहीं आया, चल घर चल। अभी यार नहीं, कुछ काम है। अभी चलना यार, प्लीज घर चलना, चल फिर कभी यार। क्या फिर कभी, अभी चल। चल एक बार बोला ना, चल मतलब चल। चल अंकल। ए चल। अच्छा है ना, ग्रीन लैम लैमिनेट्स, दिखाने का जी करे फिर आना जरूर। ओ या डेफिनेटली ये वो पे। मैंने भी अपने घर पे ग्रीन लैम लैमिनेट्स लगवाया, तो अगली बार तुम में से कोई भी सड़क पर चलता हो दिख गया ना, कसम खुदा की जबरदस्ती खींच के अपने घर पर लेकर जाऊंगा तुम्हें। एक्शन। माँ जी की कसम, तुम सर को एसिडिटी हो गई जी। ये लो सोडा जी। सोडा जी कैसा एसिडिटी से तुरंत राहत। सोडा जी। माँ जी की कसम मुझे सोडा जी से प्यार हो गया है। बंदे को एसिडिटी हो गई है, मुंह से आग निकलना इज अ मेटाफर, लेकिन इन्होंने यहाँ पर उसको एकदम रियल दिखा दिया है। लड़की बिल्कुल जल चुकी है, झुलस चुकी है उसकी मुंह से निकलती हुई आग के कारण, और सोडा जी पीकर बंदा एकदम ठीक हो गया। मेरा कसम से मन कर रहा है अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुक्का मार के तोड़ दूं, सारा काम ही खत्म एक बारी में। एनीवेज आई जस्ट रियलाइज कि वीडियो 10 मिनट से ऊपर हो चुकी है, तो इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं, हो गई काफी लंबी वीडियो। तो तुमको अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, नीचे लाइक वाले बटन को दबा दो, नए हो सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, कर दो ना सब्सक्राइब। कमेंट से बताओ वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम ट्विटर पे @triggeredinsan फॉलो कर लो अगर यूज करते हो तो, कुछ बात बात करनी हो मुझसे तो कर लीजिएगा, एंड अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ एक बात तो मैं बताने ही भूल गया यार, तुम में से जो लोग बोलते रहते हैं कि आउटरो चेंज करो, यार वो गुड बाय सॉन्ग मेरा फेवरेट है, बट फिर भी चलो आज तुम्हारे बोलने पर मैं आउटरो चेंज कर रहा हूँ, अपना खुद का गाया हुआ गाना। मैंने मतलब जब चैनल स्टार्ट किया था तब एक गाना बनाया था ढिंचक पूजा पे, तो आज वो मैं आउटरो में यूज करने वाला हूँ। मेरे को कमेंट्स में बताना कैसा लगा। रोता हूँ अब घर के अंदर, ऐसे लिरिक्स सुन कर अब मेरा कान फक गया, ढिंचक पूजा मान जा, रिडीम चेक तू जा, प्लीज ना गा,
माना मैं हूँ बेसुरा, तू मुझे से भी बेसुरी।